करीना कपूर खान फाइनली ब्रेक साइलेंस। हाय, दिस इज मी मनु एंड यू आर वाचिंग बूगल बॉलीवुड। अगर हम एक्ट्रेस करीना कपूर खान की बात करते हैं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री का काफी बड़ा नाम है ये एक्ट्रेस और आज के टाइम पे काफी सारी अमेजिंग मूवीज में ये काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम इनके वर्क फ्रंट की बात करते चलें तो फिलहाल ये लाल सिंह चड्ढा के शूट में बिजी हैं मुंबई में और जल्द ही इसका स्केड्यूल ये खत्म करने वाली हैं। लेकिन आप लोगों के सामने बहुत पहले एक रूमर आई थी कि एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने 12 करोड़ रुपए की डिमांड की है फॉर द रोल ऑफ सीता इन अ माइथोलॉजिकल ड्रामा। लेकिन उसी के बाद से उनको काफी ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है, काफी सारे लोग उन्हें रिलीजन सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए भी ब्लेम करते हुए नजर आए हैं और काफी ज्यादा नेगेटिविटी उनके खिलाफ फैल चुकी है। लेकिन दोस्तों, उसी के बाद अब एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने फाइनली ये फैसला लिया था कि वो इस बात पर साइलेंस ब्रेक करेंगे और अपनी स्टेटमेंट भी जरूर रखेंगी। और इसी बात पर एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने एक स्टेटमेंट कही है कि मेन और वुमेन दोनों का ही इक्वल सेंटीमेंट होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में और दोनों को इक्वल ही पे किया जाता है। जब अगर किसी मेल को 12 करोड़ पे किया जा रहा है तो व्हाई नॉट टू मी। तो उसी बात के स्टेटमेंट्स पे हर एक क्वेश्चन का आंसर देती हुई नजर आई है एक्ट्रेस करीना कपूर खान और उसी के साथ उन्होंने काफी कुछ कहा है मेन और वुमेन की इक्वालिटी को लेकर। और आज के बॉलीवुड एरा को भी एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने काफी अच्छे से प्ले कर दिया और उन्होंने कहा है कि आजकल की इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और काफी कुछ अलग हम लोगों को करना पड़ता है जब जाके आप लोगों के सामने कंटेंट आता है और मेहनत तो लगती है तो उसके लिए पे तो हम लोगों को किया ही जाएगा। एंड इट्स वेरी कॉमन कि मेन और वुमेन दोनों को एक तरीके से ही और एक ही एरा पर रखकर पे किया जाए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो उनकी आने वाली मूवी है जिसमें वो सीता का किरदार निभाने वाली है यानी इस माइथोलॉजिकल ड्रामा में उन्हें 8 से 10 महीने की मेहनत लगेगी और एक ट्रांसफॉर्मेशन उनको करना पड़ेगा और उसी के बाद वो मूवी की फाइनल शूटिंग को शुरू करेंगे और उसी के बाद मूवी खत्म होगी। तो उन्होंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है कि इतनी मेहनत के बाद इतना पे करना तो बनता है। लेकिन ये बात जेन्युइन है कि मेन और वुमेन को आजकल के टाइम पे इक्वालिटी दी जाती है और आज के टाइम पे ये एरा चेंज होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आपके क्या है व्यूज मुझे जरूर बताइएगा एंड फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स वॉच बूगल बॉलीवुड।